नमस्कार फ्रेंड्स, हरीश बाली ट्रैवल्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। आज मॉर्निंग में मैं 7:55 को कल्याण से चला लोनावला जाने के लिए। अभी एक घंटे का हमारा सफ़र हुआ है। ये करजत रेलवे स्टेशन है। अभी गाड़ी ना 10 मिनट के लिए करजत में रुकी थी, तो यहाँ पर गाड़ी ना 10 मिनट का हॉल्ट क्यों लेती है, क्योंकि इसमें ना एक एक्स्ट्रा इंजन लगता है। एक इंजन तो वहाँ आगे लगा हुआ है, एक पीछे लग जाता है, क्योंकि अभी ये घाट सेक्शन है, तो घाट सेक्शन में एक एक्स्ट्रा इंजन चाहिए होता है गाड़ी को पुश करने के लिए। अब एक घंटे का हमारा सफ़र है। वैसे करजत हॉल्ट नहीं है, मतलब यहाँ से आप गाड़ी बोर्ड नहीं कर सकते, मतलब टिकट नहीं बुक करवा सकते, लेकिन प्लेटफॉर्म पर उतर सकते हो। तो लोनावला जा रहे हैं, आज रात को हम लोनावला रुकेंगे, कल भी लोनावला रुकेंगे, फिर हम वापस मुंबई आएंगे और वहाँ से हमारी जर्नी ख़त्म हो जाएगी। सामान हमारा वहाँ अंदर पड़ा हुआ है। चलो बढ़िया, तो लोनावला पहुँच के मैं आपको ज्वाइन करता हूँ। और ये नॉन स्टॉप गाड़ी है टिल लोनावला। बीच में सिर्फ एक ही स्टेशन पे गाड़ी रुकती है, नेरल। लोनावला स्टेशन हम पहुँच चुके हैं। मैं आपको बता रहा था ना कि इसमें दो इंजन है, तो अब ना इंजन के आगे विस्टा डोम है। तो पहले मैं सोच रहा था कि मैं विस्टा डोम में बुकिंग करवाऊँ, लेकिन मेरे को बुकिंग मिली नहीं थी। फिर बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि अब करजत पे अगर दो इंजन लग गए हैं, मतलब सेकंड इंजन आ गया है, तो विस्टा डोम में वो फील नहीं आएगी। चलो ट्रेन चल चुकी है, मैं आपको विस्टा डोम बाहर से दिखा देता हूँ और ख़ुद भी देख लेता हूँ। उसके बाद हम लोग स्टेशन से बाहर चलेंगे और करला जाएंगे। करला में MTDC की प्रॉपर्टी है, आज हम वहाँ पर रात को रुकने वाले हैं और उसके बाद फिर आगे लोनावला घूमेंगे। ये है विस्टा डोम। अभी विस्टा डोम के पीछे से इंजन निकाल दिया ना, तो बैक साइड से दिख जाता है। तो करजत से जब गाड़ी चली थी तो पीछे इंजन लगा हुआ था, तो मैं सोच रहा था उससे फिर इतना सीनिक व्यू आपका कम हो जाता है पीछे अगर इंजन आ जाए। चलो कोई बात नहीं, अब बाहर की ओर चलते हैं। डीलक्स AC कॉटेज है, यहाँ पर हम आज रात को रुकने वाले हैं। गाड़ी यहीं तक आ चुकी है, तो सामान गाड़ी से अनलोड हो रहा है। कॉटेज के बाहर ये एक बालकनी है, इस तरफ को हॉल, इधर एक रूम है और वॉशरूम साथ में, और एक रूम यहाँ पर है। तो बेसिकली ये चार लोगों के हिसाब से अकोमोडेशन है, और दो वॉशरूम है, मतलब एक हॉल के साथ और एक बेडरूम के साथ। आमतौर पे मैं कहीं पे भी रुकता हूँ ना, तो मेरे को सबसे पहले इंटरेस्ट होता है, मतलब ऑब्वियसली अदर देन द रूम, कि एक टेबल चेयर ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि मेरे को कम से कम 2-2.5 घंटे डेली बेसिस पे डेटा कॉपी का काम करना पड़ता है। दैट वेट सही है, ये मेरे सबसे पहले नज़र जाती है कि मैं लैपटॉप पे कन्वीनियंटली बैठकर काम कहाँ कर सकता हूँ। एनीवेज अभी क्या करते हैं ना, हमें कोई ऐसा फ्रेश होने जैसी कोई ज़रूरत नहीं है, बस सामान गाड़ी में रख लेते हैं और फिर हम लोनावला घूमने चलेंगे। और उससे पहले एक कप चाय पी लेता हूँ रेस्टोरेंट जाके। जब मैं करजत से आ रहा था ना, तो एक सब्सक्राइबर ने मेरे को बड़ा पाव दिया था खाने के लिए, मैं ट्रेन में खाया नहीं, तो साथ बड़ा पाव भी खा लेंगे। अच्छा, इस तरफ भी बैक साइड में एक बालकनी है, नाइस, अच्छी जगह, गुड। बड़ा पाव खा लें, अच्छा। हालांकि ये बड़ा पाव लिए हुए मुझे एक घंटे से ऊपर का टाइम हो गया, 1.5 घंटा हो गया, थोड़ा ठंडा हो गया, लेकिन टेस्ट जोरदार है। वेरी टेस्टी। ये रेस्टोरेंट है, सामने लिखा हुआ है हाउस बोट तारकरली। मैं तारकरली गया था जब मैं कोंकण सफ़र कर रहा था ना, तब हमने हाउस बोट एक्सपीरियंस नहीं लिया था। गुड, एक काम करता हूँ, बड़ा पाव फिनिश करके ना कुछ देर बाहर बैठता हूँ, तब तक चाय तैयार हो जाएगी, फिर हम लोग घूमने, चाय पीने के बाद घूमने चलेंगे। इस समय हमारे साथ सुहास जी हैं। ये जो प्रॉपर्टी है, इसमें टोटल कितने रूम्स हैं? ये 40 एकड़ की प्रॉपर्टी है और यहाँ पे 73 रूम्स हैं, AC और नॉन AC ऐसे।
काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी होगी ना जी, यहाँ पे खड़े होकर ऐसा महसूस हो रहा है कि ह्यूज गुड। इस समय हम कारला में हैं, लोनावला स्टेशन से हम लगभग कितना 8 किलोमीटर बाहर की तरफ आए हैं। यहाँ पर केव्स जो हैं, जो फेमस काफ़ी केव्स हैं, वो कितना दूर हैं? ये 4 किलोमीटर हैं और ये सामने वाले पहाड़ पे हैं। तो ये जो हम सामने फोटो देख रहे हैं वो वही की फोटो है? वही की है जी। ग्रेट। अब हमारा प्लान कुछ ऐसा है कि यहाँ से 25 किलोमीटर के डिस्टेंस पे पौना डैम है, हम वहाँ जा रहे हैं, उसके बाद लोनावला की तरफ आएंगे और घूमते घूमते शाम को हम सनसेट देखने वाले हैं। तो जो टैक्सी में हम भैया के साथ चले थे, हमने स्टेशन से एक कैब ली थी ना, अब इनके साथ ही आगे हम चल रहे हैं, तो शाम को हम 6-7 बजे तक 8 बजे तक लौट कर वापस इधर ही आएंगे। तो दिन भर रात घूमते हैं, अभी 11:30 का टाइम ऑलरेडी हो चुका है, और फिर आपको जैसे जैसे घूमेंगे डेस्टिनेशन दिखाते जाएंगे। तो MTDC की प्रॉपर्टी के बगल में ही एक वाटर पार्क भी है जी, वो MTDC का ही वाटर पार्क है। अच्छा, वो मैं कल मॉर्निंग में देख लूँगा। चलो राइट, तो शाम को आपको मिलते हैं। थैंक यू। पौना डैम हम पहुंच चुके हैं। ये देखो डैम का जो रिजर्वायर एरिया है ना, कितना बड़ा है, सो ह्यूज। ब्यूटीफुल। अभी सूरज सिर के ऊपर है ना, तो बहुत ज़्यादा दूर तक विजिबिलिटी नहीं बन पा रही, लेकिन इतना ज़रूर समझ में आ रहा है कि अगर अर्ली मॉर्निंग आ जाए यहाँ पर या शाम के समय आए तो अभी से ज़्यादा बेहतर व्यू दिखाई देगा। मस्त है यहाँ पर। बहुत सारे एकोमोडेशंस भी मैं रास्ते में दिखते आ रहा था, 1 किलोमीटर पहले ही कुछ लोगों ने होमस्टेज बनाए हुए हैं, छोटे छोटे गेस्ट हाउस, लॉजेस भी बहुत सारे हैं, और ये लाइट हाउस के बगल में ही कैंपिंग साइट भी है। इस ब्रिज के ऊपर चलकर ना इतना अच्छा लग रहा है, हवा क्योंकि तेज चल रही है ना, व्हाट अ लवली एक्सपीरियंस। अभी तो यहाँ कोई एक्टिविटी होती हुई दिखाई नहीं दे रही, ऐसा लग रहा है कुछ पंप से लगे हुए हैं यहाँ पर। वाह, बोटिंग करने के लिए हम लोहागढ़ बोट क्लब आए हैं। भैया यहाँ पे एंट्री टिकट लेना पड़ता है? हाँ सर, एंट्री टिकट लेना पड़ेगा आपको। नीचे रेस्टोरेंट है, आपको रेस्टोरेंट कुछ खाएंगे पिएंगे आपका माइनस हो जाएगा। दे दो मेरे को टिकट। कितने आदमी आप लोग? दो आदमी, 100 रुपये आपका। नीचे रेस्टोरेंट कुछ भी खाएंगे आपका 100 रुपये लेस हो जाएगा। और बोटिंग वगैरह आप कर सकते हैं तो आपके हिसाब से बोटिंग कर सकते हैं सर। अच्छा, बोटिंग करने के लिए भी यहीं से जाना होगा? बोटिंग गार्डन रेस्टोरेंट लोहागढ़। 400 रुपीस स्पीड बोट का। स्पीड बोट का इसमें गाइड? हाँ, तो इसी में जाएंगे बिल्कुल। आप तैयार हो? हाँ। जैकेट दे दो और चलें। कितनी देर का राउंड है? 2.5 से 3 मिनट का राउंड है। और वैसे जेट स्की का क्या लेते हो? 400 रुपये। कितना देर का? 1.5 मिनट का राउंड है, 2-3 किलोमीटर स्पीड के साथ। हाँ ठीक है, ज़्यादा जिस जगह अभी हम सेंटर में है ना, यहाँ पर गहराई लगभग 300 से 350 फीट है ऐसा इन्होंने बताया, और वहाँ पर सामने डैम है। तो पानी यहाँ पर जो रोक के रखते हैं ना, ये पीने के काम आता है पिंपरी चिंचवाड़ एरिया में जी सर। यहाँ से पिंपरी चिंचवाड़ कितना दूर है? यहाँ से होगा सर 50 किलोमीटर रहेगा। और उसके आगे पुणे? उसके आगे पुणे। और लोहागढ़ फोर्ट कितना दूर है? लोहागढ़ फोर्ट यहाँ पे सर 6 किलोमीटर पे, 6 किलोमीटर की दूरी पर है। अच्छा, काफी नजदीक है। हाँ, यही सर लोहागढ़। कौन सा? ये वाला, ये वो पहाड़ के ऊपर। हाँ, तो वहाँ जाने के लिए पैदल जाना पड़ता है, थोड़ा सीढ़ी से जाना। हाँ, पड़ता है। यहाँ पर एक किला और है, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, क्या तुंगा? तुंगा ही है सर। क्या बोलते हैं इसको? तुंगा फोर्ट। तुंगा फोर्ट। हाँ, कहाँ पर है ये सामने? अच्छा, वो सूरज सामने तो देख नहीं पा रहे। यहाँ पे तिकोना फोर्ट है सर। क्या नाम है? तिकोना। तिकोना फोर्ट। हाँ, तो यानी इस एरिया में 3 फोर्ट हो गया जी। उसके बाजू भी विसापुर है।
जो टावर दिख रहा है उसके बाजू में। क्या नाम है? मिसापुर। मिसापुर। अच्छा, इंटरेस्टिंग। तो अभी क्या हम वहाँ डैम तक जाने वाले? नहीं, वहाँ पर नहीं लेके जाए, बाहर लेके जाए। अच्छा, ढाई मिनट तो कितनी जल्दी निकल गया पता ही नहीं चला। वैसे मेरे को पर्सनली ना सबसे ज़्यादा मज़ा तो जेट स्की करने में आता है। अभी मुझे कुछ समय रुकना पड़ेगा क्योंकि मेरे को डॉक्टर ने मना किया है। जैसे टू व्हीलर पोजीशन में हम लोग लेग्स क्रॉस करके बैठते हैं ना, वैसा भी 3-4 महीने मेरे को बरेज करना है। तो आप लोग के यहाँ सैटरडे संडे को काफ़ी क्राउड रहता होगा? हाँ सर, है ना, ज़्यादा क्राउड रहता है उधर, तो क्लाइंट आ गए थे। अच्छा, इतना लोग आते हैं? हाँ, इतना लोग। अच्छा, बढ़िया। लो भाई, ₹50 पर पर्सन जो हमने एंट्री टिकट दी है ना, वो फूड कॉस्ट में एडजस्ट हो जाती है। तो बोट क्लब के अंदर ही रेस्टोरेंट है, तो हमने ज़्यादा कुछ तो नहीं लिया, सिर्फ एक सूप लिया है और ये 1/2 पोर्शन है। इसकी कॉस्ट ₹150 है। तो सूप पीकर हम यहाँ से चले जाएंगे, लंच करेंगे हम लोनावला पहुंचकर, ऐसा मैंने माइंड में सोच रखा था, क्योंकि मैं कुछ ट्रेडिशनल फूड एक्सप्लोर करना चाहता हूँ लंच में। सही है, सही है, ठीक है। हल्का हल्का खट्टा भी, जैसे टोमेटो सूप में हल्की खटास होती है। मेरे को स्टाफ ने बताया बारिशों का जब समय होता है ना तो ये जगह बहुत क्राउड आता है, स्पेशली रोड्स पे चलते चलते आपको वाटरफॉल दिखाई देंगे। तो मैं तो ऐसे समय आया हूँ जब बारिशें ख़त्म हो चुकी हैं, और वीकेंड में अदरवाइज़ क्राउड यहाँ पर ज़्यादा रहता है, बृहस्पत वीकडेज़ के। आज अभी कोई है नहीं यहाँ पर, लेकिन इतना तो मैं भी जानता हूँ लोनावला खंडाला बारिशों के समय पीक सीज़न रहता है। लवली। दादाजी, हमको लंच करने के लिए मम्मीज़ होमली किचन पे जाना है, ठीक है? तो मैं इसमें देख रहा हूँ, इसमें ना दो रास्ते दिखा रहा है, तो आप कौन सा रूट लोगे? एक तो है 30 किलोमीटर यहाँ से, और दूसरे रास्ते से आ रहा है 18 किलोमीटर। तो आप कौन सा वाला लोगे? 18 वाला। तो अभी टाइम हो रहा है 2:05, मतलब 50 मिनट, मोटा मोटा 3 बजे पहुँच जाएंगे हम। 3 बजे चलो चलते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे जैसा डिस्कस किया था ना लोनावला। ओके सर, आइए जी। होमली फूड एंड रेस्टोरेंट तक तो हम पहुंच गए हैं, नाम प्रॉपर ना बाहर लिखा नहीं हुआ, लेकिन हमारे गाड़ी का ड्राइवर हमें यहाँ ले आए हैं। टाइमिंग्स बाहर 3 बजे तक के लिखे हुए हैं, तो अब 3 तो बज गए, देखते हैं बंद तो नहीं हो गया। जाने वाले थे हम मम्मीज़ होमली फूड किचन में, तो यही बात मैंने अपने गाड़ी के ड्राइवर को बोला, लेकिन वो थोड़ा समझ नहीं पाए मेरी बात को, तो हमें ले आए हैं वो शैला फासे होमली फूड किचन में। तो मैं अंदर आया तो मैंने बोला रेस्टोरेंट का कहीं आपने बाहर नाम नहीं लिखा, तो बोले नहीं हमारा रेस्टोरेंट का ना ये नाम है, ऊपर नाम लिखा ना शैला फासे होमली फूड किचन। तो यहाँ पर भी देख के लग रहा है कि दिस इज़ अ पॉपुलर फूड जॉइंट, क्योंकि अभी समय सारे टेबल फुल है, तो 10 मिनट हमें इंतज़ार करना पड़ेगा, फिर हम लोग यहाँ पर लंच करेंगे। वैसे टाइमिंग्स यहाँ दोपहर में 3 बजे तक रहते हैं। फूड सर्व हो गया, पॉम्फ्रेट फ्राई, बैंगन आलू, भिंडी, ये मसूर दाल से बना हुआ उसल है, और साथ में इन्होंने दाल दे दी है। और मैंने इनसे ख़ास पूछा था तवा चपाती आपके पास होती है कि तंदूर होता है, तो इन्होंने बोला हमारे यहाँ तवा ही होती है, ये तवा चपाती है। सर्व करने का अंदाज़ देखो, एकदम गर्म रहे इस वजह से इन्होंने इसको ऐसा क्लोज करके दिया है। वेरी गुड। फिश तो फुल पीस है, लेकिन बाकी जो जितनी क्वांटिटीज़ है ना, ये हाफ ऑफ प्लेट है। मेरे को लगा फुल ज़्यादा हो जाएगा, तो ये कहते ठीक है आपको हाफ ऑफ दे देंगे, ये इनका मेन्यू कार्ड है।
जैसा इस इटरी का नाम है ना होमली फूड, वैसा ही काम है। कहने का मतलब ये है कि टेस्ट एकदम होमली है, ना कोई भारी मसाले हैं, ना कुछ एक्स्ट्रा तीखापन है। जैसे कोई घर में प्रिपरेशन होती है किसी फूड आइटम की, एग्जैक्टली वही टेस्ट है। और फिश फ्रेश है। आमतौर पे ना रेस्टोरेंट्स में कभी भी फिश का ऐसा स्वाद नहीं आता जैसे यहाँ पे आ रहा है। बहुत हल्के मसाले हैं, तवा पे शैलो फ्राई किया है मिनिमम तेल के साथ। मजा आ गया। थोड़ा आलू बैंगन ले लेते और साथ में पहले उसल टेस्ट किया जाए। बैंगन देखो स्वाद तो अच्छा खासा है लेकिन इसमें तेल भी भरपूर है, फ्राई करने से ना बहुत ऑयली हो गया। देखो दाल है ना, इसमें आपको हल्के हल्के स्प्राउट्स दिखाई दे रहे होंगे। तो दाल को पहले पानी में भिगो लेते हैं, फिर एक दो दिन के लिए कपड़े में बांध के छोड़ देते हैं जिससे उसकी स्प्राउटिंग हो जाए, और फिर उसका ऐसा उसल करके सब्जी बना देते हैं। काबिले तारीफ स्वाद है। मैंने तीन आइटम जो टेस्ट करी है ना, इनमें दो तो मेरे को बेहद पसंद आई है, फिश और उसल। इतनी हाई सिंप्लिसिटी इस स्वाद में है ना, मैं वो बता नहीं सकता। सो टेस्टी, दिल खुश हो गया। फूड यहाँ मेरे को इतना पसंद आ रहा है कि मेरा मन हो रहा है कि मैं कल दोबारा आके यहाँ पे लंच करूँ और डिफरेंट फूड आइटम ट्राई करूँ। हालांकि मेन्यू इनका बहुत ज़्यादा वास्ट नहीं है, जैसे सामने मेन्यू टेबल में मैंने आपको भी दिखाया कुछ देर पहले कि लिमिटेड फूड आइटम्स हैं, लेकिन स्वाद में दम है। कैसे एक घर का खाना इतनी सिंपल तरीके से बनता है ना, लाजवाब। डाला में हम राजमाची पॉइंट देखने आए हैं, आओ थोड़ा नजदीक से देखते हैं। उफ, नीचे देखो उस तरफ को टनल है। ये मुंबई पुणे टनल है, आई गेस मुंबई पुणे जो हाईवे है उसकी टनल है ऐसा मेरा अंदाज है। कितना मस्त लग रहा है ना, पहाड़ के बीच से ट्रैफिक निकलता हुआ और कदर चारों तरफ पहाड़ और बीच में वैली, ब्यूटीफुल, सही लग रहा है। इस जगह को राजमाची पॉइंट बोलते हैं। यहाँ पर ना फिल्मों की शूटिंग भी हुई है, मेरे को एग्जैक्ट नाम तो नहीं मालूम किस किस फिल्म का, लेकिन ये काफ़ी फिल्मों की यहाँ पर शूटिंग हुई है और कुछ सॉन्ग सीक्वेंस भी यहाँ पर रिकॉर्ड किए गए हैं। रोड के पीछे ही ऋतिक रोशन का बंगलो भी है, नाइस। वहाँ पर देखिए दूर की तरफ ना लगभग 1 किलोमीटर दूर कम से कम एक वाटरफॉल है, तो बहुत ज़्यादा क्लियर तो नहीं दिख रहा लेकिन इतना ज़रूर समझ आ रहा है कि वहाँ पर झरना है, लवली। वैसे लोनावला और खंडाला के पॉइंट्स देखने का जो असली मज़ा है ना वो बारिशों के दौरान है। वैसे टूरिस्ट तो पूरा साल ही आते हैं, वीकेंड्स जैसे मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पर जनरली क्राउडेड होते हैं, लोग सैटरडे संडे को यहाँ पर वन नाइट टू नाइट स्टे के लिए आते हैं। नाइस, ब्यूटीफुल। अच्छा एक चीज़ और है, एक तरफ नेचर की खूबसूरती है और दूसरी तरफ जहाँ पर हम खड़े हैं यहाँ पर आप देख लो कचरे का क्या हाल है, प्लास्टिक का क्या हाल है। इधर तो देखो पूरा ढेर लगा हुआ है।
सोचो इतने खूबसूरत सीनिक व्यू पॉइंट का क्या हाल हो रखा है। एनीवेज यहाँ से अभी हम चलते हैं क्योंकि हमें सनसेट देखना है टाइगर पॉइंट पहुंचकर, और यहाँ से टाइगर पॉइंट पहुंचने में कुछ समय लगेगा। अभी 4:45 का टाइम है तो आई थिंक 45 मिनट तो लगेंगे मिनिमम पहुंचने में। चलो आओ चलते हैं। लगभग हमें आधा घंटा लगा है टाइगर पॉइंट पहुंचने में। ये है जी सामने टाइगर पॉइंट, और वहाँ जाने से पहले एक बार आप पार्किंग भी देख लो, हमने गाड़ी यहाँ पर खड़ी करी है। काफ़ी बड़ी जगह है वैसे तो, काफ़ी गाड़ियाँ आ सकती हैं यहाँ पे। और एक चीज़ और इंटरेस्टिंग बताता हूँ, जब हम यहाँ पर आ रहे थे ना 7-8 किलोमीटर से, 7-8 तो मैं ज़्यादा बोलती है, कम से कम पिछले 5 किलोमीटर से जिगजैग एरिया स्टार्ट हो गया था, और धीरे धीरे हम लोग हाइट भी गेन कर रहे थे, और हवा में ना टेम्परेचर में बदलाव महसूस होने लगा। इतना अच्छा लग रहा था कि ऐसे चलते गाड़ी चल रही थी और दोनों तरफ हरियाली। सनसेट होने में कम से कम 15-20 मिनट है, सन सामने है। पहले व्यू देखते हैं व्यू कैसा आ रहा है, और साथ साथ सनसेट भी देखेंगे। यहाँ तो देखो ये जो ईटरीज हैं ना, उन्होंने चेयर्स भी लगाई हुई हैं, टेबल भी लगाए हुए हैं, सही है, पूरा माहौल बना हुआ है। और मैं नोटिस कर रहा हूँ टूरिस्ट ने आना स्टार्ट कर दिया, वहाँ देखो कितना बड़ा ग्रुप आया हुआ है। देखो यहाँ पर खड़े होके हम सनसेट देखेंगे, और सनसेट देखने से पहले हमें जो नीचे दिख रहा है वो ये है, इतना सारा प्लास्टिक। हमें यहाँ पर पहुँचे हुए लगभग आधा घंटा हो चुका है। काफ़ी देर से हम सूरज को धीरे नीचे नीचे आते हुए देख रहे हैं, और अब देखो सन का कलर क्या है, रेड ऑरेंज मिक्स में रंग दिखाई दे रहा है, और कितना खूबसूरत लग रहा है। आज तो देखो बादल हैं तो सूरज बादल के पीछे छिप छिप जाएगा, मतलब नीचे तक हम नहीं देख पाएंगे ऐसा मुझे लग रहा है, लेकिन कभी सामने स्काई अगर क्लियर हो तो ये जगह बहुत अल्टीमेट है। हम देखो पहाड़ के काफ़ी ऊपर हैं, और सामने वाली जो पहाड़ी है ना वो बहुत नीचे है, तो ये एक बड़ा ऑब्वियस कारण है कि जिसकी वजह से लोग सनसेट देखने के लिए यहाँ पर आते हैं। और ये तो जगह मतलब एक्चुअली में बहुत ज़्यादा फेमस सनसेट पॉइंट है। यहाँ से उधर देखो वो पहाड़ी, मैंने बताया था ना कि एक टाइगर पॉइंट है, एक लायंस पॉइंट है, एक पॉइंट वो वहाँ पर है और एक उसके पीछे है। ज़बरदस्त जगह में दम है, और अच्छा लग रहा है देखकर, नाइस। 10-15 मिनट हम यहाँ पे रुकेंगे, फिर हम यहाँ से लोनावला की ओर चलेंगे। लोनावला में वालवन करके एक एरिया है, यहाँ पर मैप्रो का बहुत बड़ा सेल्स आउटलेट है। अभी मैं इसी को विज़िट करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। एक मैप्रो महाबलेश्वर में है, इसके बारे में तो मैं जानता हूँ क्योंकि मैं बहुत साल पहले वहाँ पर गया था, बहुत साल मतलब 15-18 साल हो गए, और उन्हीं का ये सेल्स स्टोर है। देखते हैं क्या क्या क्रशेस। लीची क्रश, ब्लूबेरी क्रश। अच्छा, अच्छी बात यह है कि इन्होंने ना नीचे ये लिख दिया है कि सूटेबल विद चिल्ड मिल्क, कि आप इसको इस्तेमाल कैसे करें, गुड। और इस तरफ को सिरप्स और स्कॉश, कुकीज, नाचोस और खाखरा। जैम में भी देखो काफ़ी सारी वैरायटी है। नीचे की तरफ मार्मलेड, ये इसके पील के साथ है ऑरेंज के, ऐसा समझ आ रहा है। यहाँ पर ना ये लोग सैम्पलिंग करवाते हैं, तो आप पहले टेस्ट देख लीजिए कैसा है, फिर डिसाइड कर लो आपको क्या लेना है। तो ये आपने कोल्ड मिल्क में स्ट्रॉबेरी दिया। सही है, गुड। केसर है, सेम कोल्ड मिल्क में केसर।
केसर तो हॉट मिल्क में भी ले सकते हैं, पानी में भी। वैसे तो स्ट्रॉबेरी भी सही है, लेकिन मेरे को केसर ज़्यादा पसंद आ रहा है। इसकी बॉटल कहाँ पर है? जहाँ पर है आपके पास, यहाँ पर क्या कॉस्ट है इसकी? 450। तो बॉटल कैसे खोलेंगे यहाँ से? अच्छा, अंदर ऐसा बॉटल है क्या? कांच का बॉटल है। ये आप मेरे को एक दे दीजिए। इसका बिल कहाँ करना है? बाहर। थैंक यू। अभी एक काम करते हैं, सामने ना इनका रेस्टोरेंट भी है, वहाँ चलते हैं। मैंने अपने लिए यहाँ पर स्ट्रॉबेरी क्रीम लिया है। दो मिनट पहले देखो, मैं देख रहा था ये बना कैसे रहे हैं। नीचे बेस में सिरप डाला, उसके बाद स्ट्रॉबेरी, फिर स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, उसके बाद ऊपर दोबारा से स्ट्रॉबेरी क्रीम। आओ सामने बैठ के खाएंगे। थिक क्रीम और स्ट्रॉबेरी का बहुत मस्त फ्लेवर है। वैसे एक बात है, ये चीज़ है बड़ी ज़बरदस्त, क्योंकि आपको एक ही कप में ना तीन चार डिफरेंट टेस्ट इन्जॉय करने को मिल रहे हैं। स्टार्ट क्रीम से करो, फिर आइसक्रीम, स्ट्रॉबेरी और दोबारा नीचे से क्रीम। बेहतरीन। ये देखो स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी फ्रूट, हल्की हल्की ना खटास है स्ट्रॉबेरी फ्रूट की, और साथ में आइसक्रीम के साथ मिक्स करके जो बाइट ले रहे हैं ना, इसका आनंद बहुत आ रहा है। लवली, बहुत बढ़िया। 5-7 मिनट में हम यहाँ से चलेंगे और MTDC पहुँचेंगे। 8 बजे का आज मैंने मीटअप रखा हुआ है, सब्सक्राइबर से मुलाकात होगी। रात को हम यहीं पे रुकेंगे, मतलब लोनावला में, कार्ला में हम बेसिकली रुकेंगे, जो यहाँ से 8 किलोमीटर डिस्टेंस पर है। कल दोबारा से हम इधर घूमने आएंगे, मतलब इसी विसिनिटी में, और परसों मैं रिटर्न जाने वाला हूँ। आपको मैं कुछ देर में ज्वाइन करता हूँ जब मैं MTDC पहुँच जाऊँगा। तो स्कूल में जॉब में छुट्टी नहीं मिलती, मिलती है मैं तो वो एक दिन की मिल जाएगी। अब एक दिन में कहाँ आप घूमने जा रहे हो, वो और ऊपर से क्या है, वो पुराना ज़माना होता था जब टीचर्स की जॉब इजी होती थी। आज की तारीख में वो समय बदल गया है, तो उस चक्कर में हम लोग जून में एक ट्रिप कर लेते हैं, या बीच में कभी कर भी लेते हैं। अब मान लो कभी कोई फेस्टिवल आ गया, उसके साथ एक आध हॉलीडे जोड़ लिया, लेकिन वो उस दौरान ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग सोचें कि 8 डेज़ के लिए नॉर्थ ईस्ट चले जाएं। वो सिर्फ मैक्सिमम 4 डेज़ की विंडो होती है। आप लोग शुरू करो, नहीं तो लखनऊ की गाड़ी छूट जाएगी। वो कहावत है ना, पहले आप के चक्कर में। आपके लिए लाइन है अभी, वो ला रहे ना, स्टार्ट करो ना। हाँ आराम से, और बाकी जब आप बोर हो जाओ बता देना। ये भगवान, मेरे को ना सच बताऊँ, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, बात करते समय ना ध्यान में नहीं रहता कि कितना देर से मैं बोली जा रहा हूँ। सिंगल साइडेड मैं बहुत ज़्यादा बोल लेता हूँ।